which is the last step is namaz, and especially tahajjud ki namaz. If you want to develop this deep connection and strong connection Allah subhanahu wa ta'ala, you have to develop this habit. You know, night time is very special. Psychologists kehte hain ki it's very emotional time. Even lovers, you know, take benefit of this time. Aap dekhiye jo mehboob log hote hain aur jo Allah maaf kare gunahon mein pade hain aur aapas mein kab baat karte hain, raat ko. Aur jo ye मोबाइल कंपनीज हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये पैकेजेस कब को देती हैं? रात 12 से सुबह. भाई रात 12 से सुबह तक कौन से बिजनेसेस हो रहे हैं, कौन सी फैक्ट्री चल रही हैं, क्या हो रहा है इन लोगों को देने के लिए? तो इट्स अ वेरी रोमांटिक एंड इमोशनल टाइम. लवर्स यू नो टॉक टू ईच अदर एट नाइट टाइम. तो इस्लाम टेक्स बेनिफिट ऑफ दिस टाइम. इस्लाम ने इस बेनिफिट को यूज़ किया अल्लाह ताला से कनेक्शन डेवलप करने के लिए. एंड इस्लाम ने कहा कि डिवोट सम पार्ट ऑफ दिस टाइम फॉर द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ताबईन कहते हैं कि हम जितने भी सहाबा को मिले, हमने कोई सहाबी ऐसे नहीं देखा जो रात के टाइम में से कुछ लेता ना हो. समझ आ रही? रात के टाइम में से कुछ टाइम अपने लिए निकालता ना हो, उसे पकड़ता ना हो कि मैं कुछ ना कुछ टाइम लाजमी हर सहाबी पकड़ते थे. एंड नाइट इज अ टेस्टिमनी ऑफ पर्सन लव. जो शख्स जिस चीज़ से मोहब्बत करता है ना, वो अपने आप को डिवोट करता है उस चीज़ के लिए. जो शख्स जहाँ रात गुजार रहा है ना, जिस रात कहीं लगा दी, वो जान लो कि उस चीज़ से मोहब्बत करता है. वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह. और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं. वो अल्लाह ताला के लिए रात गुजारते हैं. वो अल्लाह ताला को लाजमी इस रात में से कुछ ना कुछ हिस्सा देते हैं. हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब सारे आशिक अपने माशूक के पास चले जाते थे, ये सब लवर्स अपने बिलव्ड के पास चले जाते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठ के काबा जाते थे और काबा में अल्लाह ताला के सामने अल्लाहु अकबर करके खड़े होते थे और अल्लाह ताला से अपनी मुनाजात करते और राज़ो नियाज शेयर करते थे. एंड इफ़ यू वांट टू रेक्टिफाई दिस उम्मा राइट नाउ, वी हैव टू डू व्हाट दे डिड, द सहाबा डिड. क्योंकि जो हम वो जो हमारे उन्होंने किए ना, वो हमें करने होंगे, उन्होंने हमें करने होंगे. तो द पॉइंट इज, हमें अपनी रात को जो है ना, हमें सब रूटीन्स को बैलेंस करना है. मैं एक आपको बड़ा अच्छा एक वर्क लाइफ बैलेंस फार्मूला देता हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट थिंग्स. एक फिटनेस कोच है, ग्रेग बैलेंटाइन, उसने बड़ा अच्छा फार्मूला दिया. उसका एक ब्लॉग है अर्ली टू राइज एंड ही सजेस्ट एंड रिकमेंड्स फार्मूला विच इज़ 10-3-2-1-0 फार्मूला, जो कि मैंने रमज़ान में भी बताया था. इस फार्मूला से आपकी तहज्जुद भी इंशाल्लाह होनी शुरू हो जाएगी, आपकी फजर भी अच्छी होगी और आपके दिन के तमाम एक्शन अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह. एंड दिस फार्मूला इज़ 10-3-2-1-0 formula. What is meant by 10? और वो कहते हैं कि 10 hours before you going to bed, no caffeine. Caffeine लेनी नहीं है, तर्क करते हैं caffeine को 10 घंटे पहले. अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो 12 बजे के बाद caffeine नहीं लेनी. जो शाम की जो चाय हम पीते हैं ना सारे बैठ के, और उसमें जो है दो दो कप चाय और तीन तीन कप चाय, और रात को भी चाय, हमारी नींद डिस्टर्ब ना, तहज्जुद पे आँख खुलती है और फजर भी लेट होती है. तो कैफीन 10 घंटे पहले छोड़ दें. 3 घंटे पहले नो फूड और यू नो हैवी ड्रिंक. 3 घंटे पहले बिस्तर में जाने से पहले, अगर 10 बजे सो रहे हैं रात को तो 7 बजे से आखिरी डिनर कर लें. नो फूड आफ्टर दैट. 10-3-2-2 मींस बिफोर यू गोइंग टू गो टू बेड, 2 आवर्स बिफोर यू गोइंग टू बेड, नो वर्क, नो ऑफिशियल वर्क एट ऑल. अपने ऑफिस को टाटा बाय बाय बंद करके अल्लाह हाफिज, अब 2 घंटे के लिए प्रॉपर फैमिली टाइम एंड जस्ट रिलैक्स, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नाइट स्लीप. 10-3-2-1 इज 1 आवर बिफोर गोइंग टू बेड, नो स्क्रीन टाइम. अपने मोबाइल को 1 घंटा पहले दूर रख दें ताकि आपकी बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करे और आपको रिलैक्स करे, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो, नॉर्मल पे आए, ताकि आप सोने की तैयारी कर लें. ये ना करें कि जो है ना मोबाइल में देख रहे हैं और ट्विटर मैसेज कर रहे हैं और फिर जो है ना जैसे ही बंद किया जो है ना मैं अभी सो रहा हूँ जी, नहीं ऐसे ना करें. एंड देन इफ यू डू दिस, 0 इज द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू प्रेस द स्नूज बटन. एक टाइम रखें सोने का और एक टाइम रखें उठने का. यू डोंट हैव टू प्रेस द स्नूज बटन इन द मॉर्निंग एंड व्हेन यू वेक अप. वो कहते हैं ना, इफ यू स्नूज यू मिस योर फजर और तहज्जुद. सो 10-3-2-1-0 फार्मूला. 10 इज 10 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड, नो कैफीन. 3 इज नो फूड और हैवी ड्रिंक. 2 इज नो वर्क,
वन इज नो स्क्रीन टाइम एंड जीरो इज जीरो टाइम्स यू हैव टू प्रेस स्नूज बटन। और इंशाल्लाह देखिएगा जल्दी सोएं, इस फार्मूले पे भी अमल करें, तहज्जुद की नमाज आप किस तरह से इंशाल्लाह जो है ना वो फिट हो जाती है। और एक ब्रो टिप दूँ, ब्रो टिप वो ये है कि अपना अलार्म हमेशा अपने से दूर लगा के रखें, और कहीं ऐसी जगह लगा के रखें जहाँ पे कोई ऊंची जगह हो, जहाँ पे आपको उठाने के लिए बेड से कम अज़ कम उठना पड़े, बेड से उठना पड़े। एंड व्हेन यू नो गेट आउट ऑफ योर बेड, मेक श्योर यू डोंट गेट बैक इनटू द बेड। अपना रजाई, कंबल, चादर, अलमारी, सबसे पहले अलमारी में डाल दें। अपना नाइट सूट चेंज कर लें, जो अपने अगले दिन पहनने हैं, जो फजर पे या तहज्जुद पे पहनने हैं, उसको इस्तरी करके रखें ताकि आपके बिल्कुल सामने पड़ा हो, आपको ये हैसल ना फेस करनी पड़े कि मैं उसको दोबारा से ढूंढूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बल्कि टू नाइट, कि आप इन स्टेप्स पे अमल करें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला के साथ जो कनेक्शन है, जो लॉस्ट कनेक्शन है, वो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी हम लोग फील करेंगे। लेकिन सिर्फ करना कि इस पर अमल करना है, इसको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि इस पर अमल करना है। अल्लाह सुबहाना व ताला भी एक टेक्निक बताते हैं उनकी अपनी, अपने बंदों को करीब करने के लिए, और वो क्या फरमाते हैं, इन अल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दहु, इन अल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन इब्तलाहु। जब भी अल्लाह ताला अपने बंदे से किसी मोहब्बत करना चाहता है ना, वो उसको मुसीबतों में डालता है ताकि वो अपने रब की तरफ रुजू करें और उससे करीब आ जाए। तो अल्लाह सुबहाना व ताला मुसीबतें, मुश्किलात जब भी हमें लाइफ में आती हैं, वो ये इसलिए आती हैं कि हमें लेट डाउन करने के लिए या हमें मज़ीद दीन से दूर करने के लिए, बल्कि इसलिए आती हैं कि जो हमारे गुनाह की वजह से हमारे, हम नेका माल नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है हमारे माल, हमारी सेहत की वजह से हम अल्लाह ताला से दूर जा रहे थे, तो अल्लाह ताला वो थोड़े दिन के लिए छीनते हैं ताकि मेरा बंदा मेरे पास वापस आ जाए। और इंसान तौबा करे कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल ताकि मैं दोबारा गुनाहों पर कभी ना पलटूँ। एंड वंस वी मेक अ प्रॉमिस अल्लाह सुब्हान तआला कि या अल्लाह आई विल नॉट गो बैक टू दैट सिन अगेन, अगर आप मुझे शिफा देंगे या अगर आप मुझे ये चीज़ वापस कर देंगे, कीप दैट प्रॉमिस इंशाल्लाह ताला। सो आई मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हान तआला, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुना इला हुब्बिक, आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं आप लोगों के ब्रीफली कुछ कॉमेंट्स ले लूँ इंशाल्लाह ताला। सिस्टर उमे हमजा इज़ वॉचिंग, सिस्टर मारिया अजमत इज़ वॉचिंग, अच्छा मोबाइल में ये भी आता है माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक। अक्सर लोगों का फीडबैक ही है, हम ऑलरेडी अपने टाइम से ऊपर हो गए हैं, तो आई विल नॉट बी टेकिंग क्वेश्चंस टुनाइट। बस मैं सिर्फ ये मेंशन करना चाहूँगा कि अगर किसी, अगर आपको इस लेक्चर ने फ़ायदा पहुँचाया है या किसी भी तरह से बेनिफिट किया है, तो जस्ट यू नो शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, जस्ट कॉपी दिस लेक्चर एंड पेस्ट इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, ताकि लोग इंशाल्लाह ये सुने, किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी को इससे फ़ायदा हो जाए, तो हमारा सदका जारिया बन जाएगा हमारे लिए, हमारा जो है ना एक माजरत का बायस बन जाएगा। अल्लाह कुछ ना कुछ कोशिश की, थोड़ी बहुत आपके दीन को सीखने की और सिखाने की कोशिश की। एंड सो जज़ाकल्लाह खैर एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग, अंतुम फ़जज़ाकुमुल्लाह खैरन, सिस्टर हुमैरा शहज़ाद, उम्मे अमारा, नौशीन, सिस्टर मैविश खान एंड एवरी वन जो कि हमें देख रहे थे, और जो जो सिस्टर्स माशाल्लाह, जो जो ब्रदर्स माशाल्लाह पॉइंट्स नोट करके यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरीन जज़ा खैर दे और हम सब से दीन में काम ले लें इंशाल्लाह ताला। सो हमारी न्यू सेटिंग मुबारक आप लोगों को, विल बी डूइंग आवर लाइव सेशंस फ्रॉम दिस न्यू सेटिंग इंशाल्लाह ताला। आई विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग टॉपिक नेक्स्ट वीक, सी यू देन इंशाल्लाह ताला। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله